कोरोना वायरस के डर से सहमे लोग सार्वजनिक परिवहन की बसों में सफर करने से कतरा रहे हैं और इसी के चलते निजी बस ऑपरेटरों को भी दिन भर घाटा उठाना पड़ रहा है। हालांकि हमीरपुर में निजी बस ऑपरेटरों ने सड़कों पर बसें उतार दी हैं, लेकिन सवारियों के नाम पर बहुत कम लोगों के द्वारा सफर किए जाने पर बस ऑपरेटरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बस ऑपरेटरों का भी बिना सवारियों के खाली बसों को सड़कों पर दौड़ाना पड़ रहा है, जिससे बस का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। हमीरपुर बस अड्डे पर बस ऑपरेटरों ने भी सवारियों के न आने पर चिंता जाहिर की है। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि बसों में सवारियों के न बैठने से बसें खाली ही दौड़ानी पड़ रही हैं और गत दिवस भी 5-6 सवारियों ने ही सफर किया था, जिससे बसों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द निजी बस ऑपरेटरों के बारे में कुछ करे। 5-6 या 7 हो रही है, डीजल निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किराया बढ़ा है, वो दे भी नहीं सरकार अभी तक। गाड़ी लाना तो मुश्किल हो गया है, ड्राइवर के लिए पैसे नहीं है, कंडक्टर के लिए कोई कमीशन नहीं बच रही है, टोटल लॉस ही ज्यादा है। तो बिल्कुल खाली आए रास्ते, मिले कभी एक, मिले कभी दो, लगभग ज्वाला जी पहुँच गए 4-5 सवारियाँ लेके, ज्वाला जी से चले तो 2-3 मिली, उसके बाद नदौन से चले तो 2-3 सवारियाँ मिली, यहाँ तक तो लगभग 135 रुपये किराए पे गाड़ी आ चुकी है, 135 रुपये किराए पे लगभग 800 रुपया बना टोटल। हम पिछले संडे से चले हैं, सोमवार से चले हैं, लेकिन आज तक कोई टोटल हमारा जो गाड़ियों पर खर्चा नहीं निकल रहा है, ना कि कोई ये आ रही है, सॉरी बचत आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ पे ये तो कोई नहीं चली, आधा घंटा काउंटर लगता है, लेकिन सवारियाँ बिल्कुल कम होती हैं, कभी सिर्फ 15 होती हैं, कभी 20 होती हैं, कभी 10 या कभी 5, लेकिन तो उसमें गाड़ी का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारी मांग क्या, जैसी सरकार करेगी वैसे ठीक है, और क्या बोल सकते हैं। कंडक्टर का कहना है कि एक तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दूसरा अब बसों का किराया बढ़ा है, जिससे लोग बसों में सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेज भी बंद है, इसलिए बस ऑपरेटर पूरी तरह से घाटा झेल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में स्थिति ठीक हो जाए। जब हम दौड़ से हमें चले आए तो हमारे पास टोटल 6 या 7 सवारी थी, इसके बीच में हमारे को तकरीबन खर्चा जो यहाँ पे 300 रुपये के करीब हुआ। इसमें सबसे पहली बड़ी बात है कि पब्लिक अभी निकलने रही है, ऊपर से गवर्नमेंट ने किराया बढ़ा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ा प्रेशर है, इससे पब्लिक जो बाहर नहीं निकल रही है, ना ही कोई काम चल रहा है। जब तक कि स्कूल कॉलेज मंदिर वगैरह नहीं खुलेंगे या पब्लिक के बीच में कोई भी इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं आएगी कि कोरोना खत्म हो चुका है, तब तक ये ट्रांसपोर्टेशन का काम बिल्कुल जीरो रहेगा, क्योंकि जो भी पब्लिक ये अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है अपनी जेब से तेल डाल रही है, ना तो ड्राइवर की तनख्वाह निकले, ना ही तो कंडक्टर की तनख्वाह निकल रही है। लेकिन ये तो चलो कोई भी काम है चलने से चलेगा, लेकिन इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन है पूरी चलनी चाहिए, बाकी जो भी है अभी कोई भी काम है उसको पटरी पे लाने के लिए उसको 10 या 15 दिन लगेंगे। इसके लिए हमने भी अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा हुआ है कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तक तो हमारा गाड़ी पटरी पे चलेगी। हमीरपुर से एसटूडी के संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट।